हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टीच एक्स्ट्रा डोज यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, 4 साल से जिस भर्ती की हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो भर्ती चालू हो गई है। 10वीं 12वीं के 60,000 पदों पे भर्ती चालू हो गई है। उस भर्ती के जानकारी का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वो देख सकते हैं और किसी भी फ्रेंड को वो शेयर कर सकते हैं। अभी जो ये भर्ती चालू हुई है, पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा, ये पदों पे भर्ती चालू हो गई है। इसका सब डिटेल मैं अब आपको बताऊंगा, तो चलो देखते हैं सब डिटेल, सब जानकारी एक जगह इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय के 268 पद है और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक के लिपिक के 449 है और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के 204 पद है। कुल मिलाकर 921 पद है। तो चलो देखते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमें किन किन शैक्षणिक अर्हता, आयु की सीमा, आरक्षण और ऑनलाइन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, ये सब जानेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें। उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला और पुरुषों के लिए पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा पदों पे भर्ती हो रही है। ऑनलाइन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, जिसकी कुल सीट 268 है और पे ग्रेड 6 है, 35,400 से लेके 112,400 तक पगार होती है। पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक का 450 कुल पोस्ट है और उसका ग्रेड पे लेवल 5 है, 29,200 से लेकर 92,300 तक पगार होती है। पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा का 204 पद है और इसका ग्रेड पे 5 है, पगार 29,200 से लेकर 92,300 तक होता है। कुल 921 पद है। अब हम आरक्षण के हिसाब से देखेंगे। पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय का आरक्षण इस प्रकार है। अनारक्षित 114 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71 जगह है, अनुसूचित जाति के लिए 54 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 जगह है। कुल मिलाकर 268 है। पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक का आरक्षण इस प्रकार है। अनारक्षित 186 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 43 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 120 है, अनुसूचित जाति के लिए 93 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 जगह है। कुल मिलाकर 449 सीटों पर आरक्षण है। पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा, इसका आरक्षण इस प्रकार है। अनारक्षित 88 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 19 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 53 है, अनुसूचित जाति 42 है, अनुसूचित जनजाति 2 है। कुल मिलाकर 204 लेखा पद के लिए आरक्षण है। आवेदन की समय सारणी, इम्पोर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की तिथि 7 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2024 है।
शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन 30 जनवरी को है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क ₹400 है। याद रहे 28 जनवरी अंतिम तिथि है आवेदन भरने की। पुलिस उपनिरीक्षक शैक्षणिक अर्हता। भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट के गति से हिंदी शब्द टंकन टाइप करने की जरूरत है और 30 शब्द प्रति मिनट गति से अंग्रेजी शब्द टाइप करने की जरूरत है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में हिंदी अशुलिपि श्रुति लेख न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट टाइप करने पर शुद्धता के आधार पर परीक्षार्थी को सफल घोषित किया जाएगा। सरकार मान्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से ओ लेवल की परीक्षा का सर्टिफिकेट। पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक के लिए शैक्षणिक अर्हता। विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि और कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के लिए शैक्षणिक अर्हताएं। विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में डिप्लोमा होना जरूरी है और कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। अधिमानी अर्हताएं, इसका मतलब है अदर क्वालिफिकेशन। चयन करते वक्त समान गुण होने पर जिसके पास ये अर्हता है उसे प्राधान्य दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट होना, विधि में स्नातक किया होना, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल सर्विस दिया होना, राष्ट्रीय कैडर कोर में बी का प्रमाण पत्र होना, ये सभी अधिमानी अर्हताएं है। चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए, आपराधिक पार्श्वभूमि नहीं होनी चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं है जिसकी 2-2 पत्नी जीवित हो। महिला के लिए जिसके पति का और एक पत्नी जीवित है, बोले तो 2-2 पत्नी है, उसमें के एक पत्नी को भी अपात्र समझा जाएगा। जानबूझकर ये या छुपाता है तो भी मालूम होने पर इसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर कोई छुपाता है तो भी वो मालूम होने पर उसका निरस्त कर दिया जाएगा। शारीरिक और मानसिक दृष्टि सक्षम व्यक्ति ही इस आवेदन के लिए पात्र है। दिए हुए टिप्पणी सारणी में के आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थी आवेदकों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का समय है। 4 सब्जेक्ट होंगे, हर सब्जेक्ट में 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 4 विषय इस प्रकार है: सामान्य हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, दूसरा सामान्य जानकारी सामाजिक विषय, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, चौथा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि परीक्षा व तार्किक परीक्षा। सामान्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए
न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने की चौड़ाई सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर छाती फुलाने के बाद। अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम सीना की चौड़ाई 75 और फुलाने के बाद 80। कम से कम 5 सेंटीमीटर छाती फुलाना पड़ेगा। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन महिलाओं के लिए न्यूनतम 24 किलोग्राम होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन के लिए लिंक इस क्लिक पे क्लिक करके आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन पत्र भरने से पहले रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये पूरा पीडीएफ जाहिरात पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप सब जानकारी लेके आवेदन करें। वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं अब संक्षिप्त में यहाँ पर देता हूँ, तुम आप वो सब देख लेना। अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन अप्लाई करें। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। धन्यवाद। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।